हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद द चैनल। आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लीजिए। पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई एग्जिस्ट इफ एचसीएफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड एलसीएम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 91। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन ये है कि अगर हम एक्स और वाई का एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें और उनको जोड़ने पे 91 आ रहा है, तो x और y के कितने पेयर पॉसिबल हैं। अगर आपको HCF LCM के बेसिक्स क्लियर होंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। चलिए, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि HCF जो है वो k है। कर्सर को देखिएगा, HCF k है तो नंबर क्या हो जाएगा, KA और KB, और LCM क्या हो जाएगा, KAB। अब ये जो मैंने पहली लाइन लिखी है, ये तो आपको तभी क्लियर होगी जब आपको HCF LCM का बेसिक क्लियर होगा। देखो, HCF अगर आप K मानोगे तो नंबर को आप KA और KB के फॉर्मेट में लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि नंबर HCF के मल्टीपल में होगा। और LCM इज इक्वल टू KAB, ये कहां से आया, HCF इंटू LCM बराबर KA इंटू KB। तो पहली लाइन का एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको दे दिया। अब देखिए, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF को LCM में जोड़ने पे 91 आता है। तो HCF की वैल्यू K है और LCM की वैल्यू KAB, दोनों को जोड़ने पे 91 आता है। इसमें से K की वैल्यू कॉमन निकल आएगी। अब एक चीज याद रखना, A और B को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम मतलब उन दोनों का HCF 1 होगा। ठीक है, तो K कॉमन ले लिया। अब 91 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 13 इंटू 7। अब K की वैल्यू 1 हो सकती है, K की वैल्यू 13 हो सकती है, और K की वैल्यू 7 हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, K की वैल्यू 1 है। अगर k की वैल्यू 1 है तो ab की वैल्यू 90 हो जाएगी, क्योंकि 91 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 90। इतना बेसिक मैथ्स तो आपको आता ही होगा। अब a और b को मल्टीप्लाई करने पे 90 आता है। तो a और b की कितनी पॉसिबल वैल्यू है? सबसे पहली पॉसिबल वैल्यू होगी 1 इंटू 90। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहली वैल्यू होगी 1 इंटू 90। दूसरी होगी 2 इंटू 45। अब 3 इंटू 30 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने 3 इंटू 30 ले लिया तो उसमें 3 कॉमन हो जाएगा। मैंने आपसे बोला ए और बी में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 इंटू 90, 2 इंटू 45, 5 इंटू 80। तो याद रखना, ए और बी में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। के कैन बी 13, के की वैल्यू 13 हो सकती है। अगर 13 से 13 कैंसिल करोगे तो 7 बचेगा, और 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 6, मतलब ए बी की वैल्यू 6। तो उस केस में 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3 बनेगा। फिर अगर हम लोग बात करें, k की वैल्यू 7 हो सकती है। अगर k की वैल्यू 7 होगी, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो उस केस में तुम्हारा 13 माइनस 1 12 हो जाएगा। तो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 2 कॉमन हो जाएगा, 3 इंटू 4। तो तीन पेयर यहां बनेंगे, दो पेयर यहां बनेंगे और दो पेयर यहां बनेंगे, 3 2 5 2 7, टोटल 7 पेयर बनेंगे। आई होप आप लोग का आंसर मैच किया होगा। ठीक है, वैसे मैंने आप, हो सकता है कोई पेयर हमसे छूट गया हो सकता है कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैंने आपको मेथड जरूर समझा दिया है। अकॉर्डिंग टू मी 7 पेयर होने चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ना, सर इसका उल्टा करो आंसर 14 होगा। नहीं, वो थोड़ा सा दिमाग में रखना, क्योंकि HCF LCM में ऑर्डर्ड पेयर नहीं होते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। HCF LCM का फंडा यहाँ पर लगाया है, बेसिक वाला। ठीक है, चलिए, डेली में कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके लिए जरूर अपलोड करूंगा आपके चैनल पर। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।